खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां राज्य मंत्री और रायबरेली जिला प्रभारी प्रतिभा शुक्ला टमाटर को लेकर दिए गए अपने बयान पर अड़त रहते हुए कहा है, इस सीजन यह महंगा हो ही जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर प्रयास कर रही है और 60 रुपये किलो बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सीजन का टमाटर हर साल बाहर से आता है, इसलिए महंगा हो जाता है। सरकार इसे लेकर सजग है और किसानों को बीज वितरित किए जा रहे हैं, जिससे इस सीजन में भी सस्ता बेचा जा सके। प्रतिभा शुक्ला यहां वृक्षारोपण और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए पहुंची हैं। इस दौरान उनका मुख्य फोकस हर नल घर योजना पर है। हालांकि हर घर नल योजना मामले में अभी तक जिले की प्रगति रिपोर्ट अच्छी नहीं है। प्रतिभा शुक्ला हर घर नल योजना का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगी। कि हमारा अभियान था 22 से लेकर 15 अगस्त तक करने का, इस अंतर्गत आज एक वृक्ष लगाया गया है और इस मुहिम के अंतर्गत सभी को एक वृक्ष लगाना है हर दिन प्रतिदिन, जिसको जहां जैसी सुविधा मिले कि सभी लोग वृक्ष लगाएं, जिससे कि हमारा मतलब ऑक्सीजन का लेवल सही रहे और हम लोग आराम से जीवन यापन कर सकें। दूसरा, यहाँ समीक्षा बैठक है रायबरेली की, जहाँ विकास कार्य को लेकर हम लोगों ने पिछले महीने जो समीक्षा बैठक ली थी उसके आगे की लेनी है कि हमारी विकास को क्या गति मिली और आगे किस तरह से मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि हमारी विकास की गति तेज़ी से आगे बढ़े, शासन व्यवस्था दुरुस्त रहे, महिलाओं और बच्चों को परेशान न किया जाए। तो इसके अंतर्गत हम लोग आपसे सभी आपके रायबरेली में आए हैं, वही वार्तालाप करने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि रायबरेली बढ़िया रहे, विकास का पहिया तेज़ी से घूमें। आपका बयान बड़ा सुर्खियों में रहा है टमाटर वाला, क्या है उसको, क्या उस पर क्या कहना चाहिए कि दाम और बढ़ गया, 120 से 250 रुपये हो गया? देखिए, टमाटर के लिए सरकार, आपको ये तो सभी को पता है, फिर वही चीज़ बोलेंगे हम कि इस सीज़न में टमाटर जो है महंगा होता ही है। आज आप बचपन से देखते चले आ रहे हो, हम फिर उस बात को कहेंगे, मैंने वही कहा था, फिर कहते हैं। तो और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, अब तो उन्होंने एक वैन लगा दी है और उसमें 60 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, लेकिन एक ही किलो एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सुविधा दी जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।